पहुंच चुके हैं बाली फिलीपींस। हम चले हैं मकाओ बैंकॉक। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, के साथ साथ बेल आइकन को दबाइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज हमारा डे टू है और आज हमारे कुछ साइट सीन है बाली के, निकलते हैं, लेके चलता हूँ आपको। हम यहाँ पे आए हैं तन्हा लॉर्ड टेम्पल और ये काफ़ी दूर पड़ गया है। मैं बाइक पे आया हूँ और ऑलमोस्ट पौना घंटा लग गया है। ये हमारे गणेश जी की यहाँ पे इन्होंने मूर्तियाँ लगा रखी हैं और यहाँ से ये टिकट काउंटर है। दिस इज एंट्री टिकट फॉर टेम्पल। ओके, थैंक यू। देखो अपनी किस्मत ख़राब करते हैं, तन्हा टेम्पल है, काफ़ी पॉपुलर है और हम यहाँ आए हैं और यहाँ पता चला सेरेमनी है। ये हमारे साथ बैंकॉक में भी हो चुका है, कितनी बुरी बात है। गर्मी है यार। आप यहाँ पे टैक्सी से भी आ सकते हैं, टैक्सी अगर आप ज़्यादा लोग हैं टैक्सी कर लीजिए, सिंगल हैं तो आप बाइक पे आ जाइए। हम जा रहे हैं टेंपल। अब इतनी दूर बंदा आता है तो घूम ही लेता है, तो आपको यहीं आसपास से उसकी विजिट कराता हूँ। वैसे टेंपल बहुत खूबसूरत है और ये काफ़ी खूबसूरत सा एक वे था इनका जाते हुए, मार्केट सी रास्ता था। मुझे याद आ रही थी खूबसूरत गोवा की, पर धूप बहुत तेज थी। दोस्तों बाली हैं हम इस वक्त और ये बहुत पॉपुलर टेंपल है यहाँ का और यहाँ पे आज लोकल इवेंट है, उसकी वजह से एंट्री नहीं है, वरना इसकी एंट्री पर पर्सन 60,000 डोंग की है। तो वो टेंपल है, दूसरे वाले में चलते हैं। हवा ठंडी चल रही है, बहुत मज़ेदार है, धूप भी है और ये धूप परेशान करने वाली धूप है। यहाँ पे दो टेंपल थे और दोनों ही बंद थे, आप देख रहे होंगे। मैं जब ऊपर वाले टेंपल में गया तो वो भी बंद था। और नीचे वाला टेंपल तो ऑलरेडी बंद था पर काफी सारी पब्लिक आ रखी थी, लोग फोटोग्राफ्स खिंचवा रहे थे। ये टेंपल तो यहाँ इसकी बहुत मान्यता थी, मैंने पूजा करी और इन्होंने एक पानी सा जो इनका टपक रहा था वो मैंने पिया, ये इनके पुजारी बैठे हुए थे, तो काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी टाइम मैंने यहाँ पे बिताया, उसके बाद मैं शाम को वहाँ से निकल गया। पर वहाँ मेरे को एक प्रॉब्लम आई कि मैंने यहाँ से तो बुकिंग करके वहाँ पहुँच गया था, पर उसके बाद वहाँ से रिटर्न आने के लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं था। उसके बाद मैंने मुँह मांगी कीमत पर वहाँ पर बाइक वाले को पेमेंट दी और मैं रिटर्न आ गया। तो गाइस हम स्कूटा स्ट्रीट पे हैं और भूख लगी थी। अगर आपका होटल यहाँ नियर बाय है तो बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पे आपको खाने के काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे, पिज़्ज़ा हट, मैकडोनल्ड्स, KFC सब कुछ मिल जाएगा और नॉनवेज वगैरह यहाँ बहुत ज़्यादा है। यहाँ की करेंसी आपको एज़ कम्पेयर ऑनलाइन ज़्यादा दिखाएंगे, पर यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी हमारे 1 रुपये के अराउंड 160 डॉन यहाँ के मिलेंगे। ये सलीम है, कहाँ से ये कुछ और बातें कर रहे हैं जो कि हमारे मतलब की नहीं है। तो शाम हो चुकी है और आपको बीच पर भी अभी लेके चलता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कुछ खा लिया जाए। ये बाली स्ट्रीट है जो कि ये सामने बीच है, ये रास्ता बीच पे जाता है और इस साइड अगर आपको डिस्को क्लब नाइट लाइफ वगैरह चाहिए तो ये स्ट्रीट पे है। शाम का वक्त है और बीच वगैरह पे घूमा और उसके बाद थोड़ा सनसेट का मज़ा लिया और रात को अपना खाना खाया और मैं होटल आ गया। सोलो ट्रैवल आप कैसे कर सकते हैं? ऑनलाइन एक्टिव रहें, कई बार अक्सर बहुत अच्छी डील्स आती हैं फ्लाइट को लेके,
आप बुक कर सकते हैं। सस्ती फ्लाइट में आपको पहली बात तो आपको कैबिन बैगेज ही मिलेगा, आपको अलग से परचेज करना पड़ता है। और यहाँ पे आपको आने जाने के लिए टैक्सी ट्रांसपोर्टेशन के लिए ग्रैप ऐप है, बहुत ही बढ़िया, आप डाउनलोड कर लीजिए, पूरी एशियन कंट्री में चलती है। गलती से जाना था हमने माउंटेन है, कोई गलती हमसे नहीं होगी, गलती एक्चुअली में जो ग्रैप की ऐप है उससे हो गई है, उससे हमने गलत बुकिंग कर ली और हम गलत जगह पहुंच गए हैं। पर मैंने जब पूछा कि नियर बाय क्या पॉइंट है तो नियर बाय ये बीच है। अब देखते हैं यहाँ से कोई नियर बाय दूसरा पॉइंट कौन सा है कवर करने का। बाकी ये बीच खूबसूरत है वैसे तो, बोट्स हैं बड़ी बड़ी। मिसगाइड हो गया, जो मैं जगह जाना चाहता था वो जगह का नाम सेम था, पता नहीं आगे मार्केट से लग रही है, मुझे शॉप्स वगैरह हैं, अजय रोड साइड्स शॉप्स हैं, वो देख के आते हैं क्या क्या हैं। यहाँ छोटी छोटी शॉप्स हैं खाने पीने की, आप घूम सकते हो, खा भी सकते हो। लोकल मार्केट है, इनकी शॉप्स हैं शॉपिंग वगैरह करने के लिए। सी मार्केट है यहाँ पे बीच के पास, अपने को तो आगे जाना है इसलिए ज़्यादा बैग उठा नहीं सकते, तो हम तो शॉपिंग नहीं करेंगे। इस तरह के मार्ट आपको हर जगह मिल जाएंगे, आप यहाँ आ सकते हो, सब कुछ मिलता है और ये 24 आवर्स खुले रहते हैं। एज़ कम्पेयर करेंसी को कंपेयर कर लोगे तो ऑलमोस्ट सेम है, सिमिलर ही है प्राइस। वैसे लगता है कि प्राइस इनका सस्ता है पर ऐसा नहीं होता, हर कंट्री का प्राइस जो होता है चाहे वो डॉलर में हो चाहे कुछ हो, ऑलमोस्ट कंपेयर करोगे सेम होता है, वही फ़र्क आता है। अगर हम किसी पॉश एरिया में हैं तो वो चीज़ें वहाँ महंगी मिलेंगी, किसी सस्ते एरिया में वो चीज़ें सस्ती मिलेंगी। तो अभी हम यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह लेते हैं। इस वक्त हम बाली के अंदर हैं और ये खूबसूरत टेम्पल है जिसका नाम टेम्पल इज माना का नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत है। शाम का वक्त है, मौसम बहुत अच्छा हो गया दोस्तों। तो गाइस ये काफ़ी खूबसूरत जगह है, शांति भरी जगह है, मौसम ठीक है यहाँ का, ज़्यादा दिन में थोड़ा गर्म रहता है और शाम को यहाँ ठंडा हो जाता है। बाकी ऐसी शांति वाली जगह पे जहाँ ठंडी ठंडी हवा चलती हो और यहाँ नेचुरल म्यूज़िक चल रहा है जैसे कि आपको पीछे सुनाई दे रहा है, इस पर कोई कॉपीराइट भी नहीं आने वाला है, तो अच्छा म्यूज़िक लग रहा है। आइए इंजॉय करिए बाली, जब सस्ती टिकट मिल जाए, अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं, रहने को सस्ता है, खाने को भी सस्ता है, ट्रांसपोर्टेशन के मामले में थोड़ा सा रहता है क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं घूमने के काफ़ी दूर दूर हैं, उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि मुझे पता है पेमेंट का इतना इशू नहीं है, पर जो बाइक डिस्टेंस है, आदत नहीं है बाइक पर ट्रैवल करने की, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बाइक पर बैठा नहीं जा रहा है, आधा घंटे बैठते ही सर पीछे से बम बोल जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। जो जगहें हैं 2 घंटे का सफ़र दिखा रहा है, 2.5 घंटे का सफ़र दिखा रहा है, एक सोलो ट्रैवलर के लिए ये महंगा पड़ जाता है। टैक्सी करके जाऊंगा तो मुझे वर्थ नहीं करती वो टैक्सी, जिसके लिए मैं 1,500-2,000 दूँ वो वर्थ नहीं करता। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप ज़्यादा लोग हैं, 2 से ज़्यादा लोग हैं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ थोड़ा सा बाइक पर इनकन्वीनियंट हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन है अगर आप बाइक रेंट पे लेते हैं, तो बाइक लेने के लिए इंटरनेशनल लाइसेंस चाहिए और आप जब भी इंटरनेशनल ट्रैवल करें इंटरनेशनल लाइसेंस लेते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी वैसे उसमें। सो गाइस आप आ सकते हो 3D म्यूजियम में। एक्चुअली मैंने तो लंका भी, बैंकॉक, काफ़ी जगहों पे ये म्यूज़ियम देखे हुए हैं, तो सॉरी मैं नहीं आपको लेके जा पाऊँगा, आप पर्सनल तौर पे आ सकते हो यहाँ पे। टेंपल हमने घूम लिया है, सामने एक मार्ट है वहाँ पे कुछ पीने का लेते हैं ड्रिंक के लिए और यहाँ से फिर हम चलेंगे। सो गाइस इस वक्त हम आए हैं रेस्टोरेंट पर और हमने ऑर्डर करा है चिकन फ्राइड राइस।
गाइस इस वक्त हम एक मार्केट में हैं, पर ये बहुत अच्छी मार्केट है, शॉपिंग के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। और हमने अभी लास्ट यहाँ पे खाना खाया था, अभी हमने बाइक करी थी और हम पहुँचे हैं यहाँ पर। हमने दिए हैं 28,000 डोंग, तो अच्छी मार्केट है। मैंने कहा यहीं रोक दो मुझे। मैंने सोचा था कि बाली की नाइट लाइफ जो क्लब्स डिस्को हैं वो कवर करूंगा, डेफिनेटली मैंने वो कवर करा है, पर मैं उसके लिए एक अलग से ब्लॉग लेके आऊंगा जिसमें आपको एग्जैक्टली बता सकूं यहाँ पे डिस्को क्लब्स वगैरह हैं और कहाँ पड़ते हैं। मार्केट में हैं यहाँ शूज़ हैं काफ़ी अच्छे अच्छे बच्चों के। एक्चुअली मेरा बेबी छोटा है, मतलब इतना छोटा भी नहीं रहा, 7 साल का हो गया है, पर उसके लिए मैं देख रहा शूज़। हेलो, यहाँ आपको एक्सचेंज शॉप हर जगह मिल जाएंगी, जगह जगह पर हर एक्सचेंज शॉप का अलग रेट है और ज़्यादा बेनिफिशियल है USD में कन्वर्ट कराना। वैसे आपके पास इंडियन करेंसी और इमरजेंसी पड़ गई और पैसे ख़त्म हो गए हैं तो आप इंडियन करेंसी में भी कन्वर्ट करा सकते हैं, पर ज़्यादा बेटर है आप USD हैं क्योंकि उसकी वर्थ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर इंडियन करेंसी के। बाकी खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट्स की कमी नहीं है यहाँ पर। यहाँ भी आपको जगह जगह मसाज पार्लर मिल जाएंगे बैंकॉक की तरह, पर कॉस्टली है एज़ कम्पेयर। बैंकॉक थोड़ा सा चीप है, बैंकॉक नहीं पटाया चीप है मसाज के लिए, वरना बैंकॉक के प्राइस हाई हैं। इस वक्त बाट का प्राइस ऊपर चल रहा है। यहाँ आपको बाइक वाले अक्सर मिल जाएंगे, पर अगर ध्यान रखिएगा आपको लूट लेंगे अगर आपको एरिए का लोकेशन का नहीं पता कि कितने पैसे कहाँ लगते हैं, कितने डिस्टेंस पे हैं, तो इसके लिए आपके पास इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नाइट लाइफ इंजॉय करना चाहते हैं, डिस्कोस क्लब्स हैं यहाँ पे काफ़ी, तो रात के 1-1.30 बजे तक है, उससे ज़्यादा नहीं है टाइम, तो ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट है यहाँ का बाली का। शॉपिंग के लिए ऑप्शन काफ़ी है, पर शॉपिंग यहाँ पे थोड़ी कॉस्टली है। अगर आप यहाँ पे चीज़ें कंपेयर करेंगे तो जब कॉपी है और कॉपी की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है तो मेरे हिसाब से लेना वर्थ नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हो ये कूटा के अंदर ही ये स्ट्रीट है और यहाँ पे काफ़ी सारे डिस्कोस क्लब्स बार हैं। व्हाट इज़ दिस? How much for this? How many people you do it? I am alone. Minimum 2% of people's population. Minimum 2%. How much? If you go 2%, 700. Because 1% is 150. Okay. दो लोगों का मिनिमम होना ज़रूरी है और इसका ले रहे हैं बस 700, यानी एज कम्पेयर इंडियन करेंसी से मैं कंपेयर करूँ अलग अलग 3,500 रुपये ले रहे हैं ये इस राइड का। सर इंटरनेशनल में चलना ज़्यादा पड़ता है, उसके लिए जगह जगह आपको मसाज पार्लर मिल जाएंगे। ऐसे यहाँ कोमोडो ड्रैगन भी आइलैंड है और मैं वही चेक कर रहा था कोमोडो ड्रैगन आइलैंड के लिए जाने के लिए यहाँ पे एक ट्रिप है 4 नाइट 5 डेज का रिटर्न ट्रिप, जिसके अंदर कोमोडो ड्रैगन पे लेके जाएंगे ये वाया शिप पे एक आइलैंड है जहाँ पे कोमोडो ड्रैगन से। सच बताऊँ तो थोड़ी प्रॉब्लम है, मैंने काफ़ी दिन हो गए इंडियन चाय नहीं पी, थोड़ा उसकी वजह से सर भारी हो सकता है। मैंने यहाँ पे ग्रीन टी ढूंढ रहा था, ग्रीन टी मुझे कहीं नहीं मिली अभी तक। तो गाइस अभी एक छोटी सी मॉल मार्केट ये जो भी है बाली कूता के बीच के अपोजिट है और काफ़ी अच्छी मार्केट लग रही है। मॉल टाइप की मार्केट है, ओपन मार्केट है, काफ़ी अच्छी है। काफ़ी अच्छा मॉल है, काफ़ी अच्छा बना रखा है इन्होंने एक्चुअली में ओपन स्टाइल में। यहाँ पे हमारे इंडिया की तरह प्रॉब्लम नहीं है कि भैया शूट नहीं कर सकते, यहाँ शूट कर सकते हैं और किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। हाँ पूछ जरूर मैंने लिया था कि शूट करें या ना करें, बाकी अच्छा है, लोग फ्रेंडली हैं, फ्रेंडली नेचर है, बहुत अच्छे लोग हैं। देखिए ओपनली बहुत अच्छा बना हुआ है ये। बाली बीच के अपोजिट एक बहुत बड़ा ये एक मॉल था जो कि ओपन मॉल था, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत। डेफिनेटली आप जहाँ जाओगे जब बाली तो ये मॉल जरूर देखना। मॉल वाकई बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है।
मॉल के पीछे से ये स्ट्रीट जा रही है, मार्केट है, लोकल शॉपिंग के लिए स्टोर्स हैं, क्लब हैं, डिस्को हैं, मसाज पार्लर हैं, सब कुछ है यहाँ पे। ज़्यादा करेंसी एक्सचेंज मत करिएगा, मुझे नहीं लगता कि इतनी करेंसी लगेगी। अगर आपका स्टे होटल बुक है, ट्रांसपोर्टेशन और खाने पे इतना पैसा नहीं लगता। गुड मॉर्निंग अगेन, और आज हमारा चेकआउट करने का टाइम और हम यहाँ से निकल रहे हैं अभी वियतनाम के लिए। हमारी फ़्लाइट है 2 बजे की, मॉर्निंग के 10 बज चुके हैं, बस सामान पैक हो गया है और बस हमारी निकलने की तैयारी है। अब मिलते हैं वियतनाम में, बाय। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा कि मेरा कितना खर्चा आया बाली में। वैसे तो ये मेरा ट्रिप 6 कंट्रीज़ का है, पर मैंने अपना ये बाली का ट्रिप यहाँ पे मैंने ख़त्म करा है, क्योंकि सबसे पहले मैं बाली गया हूँ, बाली से मैंने वियतनाम गया हूँ, वियतनाम से मैं फिलीपींस मनीला गया हूँ, फिर उसके बाद हांगकॉन्ग, हांगकॉन्ग से मकाओ, मकाओ से बैंकॉक, उसके बाद दिल्ली। बाली की मेरी टिकट बिलीव नहीं करोगे, जनरली आपकी आने जाने की टिकट जो आप दिल्ली से लेते हो 25,000 से लेकर 32,000 रुपये के बीच में आती है नॉर्मली, जिसमें बैगेज इंक्लूड होता है, और कई बार तो 50,000 की टिकट होती है। पर मैंने ये वन वे टिकट बाय करी है विदाउट बैगेज 6,800 रुपीज़ की। तो मैं सर्च कर रहा था, मुझे डील नज़र आई और मैंने टिकट बाय कर ली। जब आपको कोई ऐसी डील नज़र आए जहां लगता हो कि इतने की टिकट नहीं आ सकती, तो उस टिकट को बाय कर लो। तो जहां जहां जिस रूट पे मुझे टिकट सस्ती मिली मैंने वो बाय करी। मुझे यहां से फिर अगली टिकट मिली वियतनाम की सस्ती, मैंने वो बाय करी। उसके बाद मुझे अगली टिकट मिली फिलीपींस की, वो बाय करी। मैंने इस तरह से अपना रूट बनाया। उसके अलावा मैं यहाँ पर 3 नाइट रहा विदाउट ब्रेकफास्ट, 3 रातों के लिए मैंने 2400 रुपये पे करे मेक माई ट्रिप पे। वीज़ा ऑन अराइवल था, फ्री है वीज़ा, तो मेरा जो मील कॉस्ट अराउंड पड़ती थी, जो एक दिन की अराउंड 50,000 से 60,000 रुपये की मील कॉस्ट थी पूरे दिन की खाने की, 2 लाख डॉन के अकॉर्डिंग मैंने आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा दिया। और उसके अलावा मैंने 3 दिन के स्टे के अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख ही मैंने जो खर्चा किया है वो करा आपका खाने के ऊपर। तो जो टोटल कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो 4 लाख डॉन्ग, तो 60 डॉन्ग हमारे यहाँ के 1 रुपये के बराबर है। तो मुझे कॉस्ट जो पड़ी है वो पड़ी है, यहाँ पे रहना पड़ा आपका 2400 रुपये का, और घूमना और खाना पड़ा लगभग 2500 रुपये का। टोटल लगभग 5000 रुपये मेरा रहना खाना घूमना हो गया, जितनी जगह मैंने आपको घुमाई है। उसके अलावा मेरी जो टिकट पड़ी है वो पड़ी है 6,800 रुपीज़ की, और उसके अलावा जो छोटी मोटी मैंने शॉपिंग करी है वो अलग है, जो कि मैं उसको काउंट नहीं करूँगा। तो काफ़ी कम खर्चे में मैंने बाली घूम लिया, यानी टोटल मेरी बाली की वन वे टिकट के साथ वहाँ पर रहना और घूमना एक आदमी का जो कॉस्ट आई है 7 और 5 होते हैं 12,000 रुपये, ये मेरी बाली कॉस्ट है। पर मेरा बेसिकली आपको दिखाने का मकसद ये कि आप इतने सस्ते में आप घूम सकते हो। अब मैं जा रहा हूँ वियतनाम, और वियतनाम में वीज़ा ऑन अराइवल है, पर उसके लिए अप्रूवल लेटर लेना पड़ता है। अप्रूवल लेटर कहाँ से लिया है उसके लिए, उसके बाद मैंने वहाँ पे कितनी फ़ीस और भरी, क्या क्या चीज़ें रही, वो सारी चीज़ें मैं आपको अपने अगले व्लॉग में बताऊँगा, और बाली का एक नाइट लाइफ का व्लॉग आपको अलग से बताऊँगा। हाल फिलहाल आज के टाइम पे जो कोरोना वायरस की वजह से हाल चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्द से कोई बाहर घूमने जाने वाला है जब तक ये हालात नॉर्मल नहीं होने वाले। बहुत जल्द दूसरा व्लॉग लेके आऊँगा, आप उसमें वेट करिएगा, आपको बताऊँगा उसमें कि वियतनाम में मेरा क्या खर्चा हुआ, वियतनाम में क्या क्या घूमने की जगह हैं, वहाँ पे मैंने कैसे इमिग्रेशन क्लियर करा, क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कितने की टिकट बुक करी, सब कुछ आपको बताऊँगा। पर आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हैं तो, और चैनल के ऊपर और बहुत सारी वीडियोस हैं जो कंट्रीज़ की डिटेल्स के बारे में बताती हैं, आप वो भी देख सकते हो। मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, मेरी आईडी है jatin.amholidays, और एंटरटेनमेंट पसंद करते हो मैं टिकटॉक पे भी हूँ जतिन ब्याला के नाम से, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो दोस्तों। उसके अलावा मैंने जैसे बताया मेरी ट्रैवल कंपनी एम हॉलीडेज, ट्रैवल से रिलेटेड कोई बात करनी है डेफिनेटली आप मुझसे बात कर सकते हो, कमेंट में बात कर सकते हो, मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, थैंक यू।